अस्सलाम वालेकुम गाइस, तकरीबन 4 बजे हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए थे। पापा को हम लोग हॉस्पिटल लेके आ गए थे और पापा की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर है। पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। मेरे दोस्त भी आ गए थे। क्या हाल है तलाल? ठीक हो? और भाई ये भी फुल टून चल रहे हैं। मैं तो सोया नहीं हूँ, साथ में मैंने इनको भी ख्वार किया। और अभी पापा के पास जस्ट 1% ही रुक सकता है, मामा रुकी हुए हैं। अब थोड़ी देर हम लोग, मैं अली तो भाई सो गया था, लेकिन मेरी बड़ी ख्वारी हुई, आगे पीछे घूमना पड़ा। अभी फ़िलहाल मैं मामू के घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर 1-2 घंटे रेस्ट करूँगा, फिर वापस आना है। चलो बैठो बैठो। ठीक है भाई यार, थैंक यू सो मच, आप लोग आए। हमें तो नींद में नाम भी भूल गए। ओके यार, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। बस गाइस, आप लोगों से दुआ, अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग पापा के लिए दुआ करें। अभी चलते हैं घर, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अली तो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, पीछे गाड़ी में ही बेड बना के सो गया। अली अली उठो, घर आने वाला है, उठ जाओ, घर आने वाला है। घर आके हम लोग सो गए थे, अभी सो के उठे हैं और अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। और इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, तो भाई जैकटें शैकटें पहन लिया, अली को भी नीचे शर्ट पहना दिया और अली काफ़ी ज़्यादा सैड हुआ है। चलो चलें। भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? पापा ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पापा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आप लोग भी दुआ करें, बस आप दुआ करो, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल जी इंशाल्लाह पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट से हॉस्पिटल पापा के पास। अभी भी बारिश हो रही है और हमें यहाँ का एक डॉन मिला है। कैसे हो? ठीक हो यार? हमारे अब्बू की तबीयत खराब है, दुआ तो कर दो, करो दुआ। अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। आमीन आमीन, जिंदगी सेहत मिले। आमीन आमीन भाई। ये देखो, ये स्पेशल चाइल्ड है और इससे हमने दुआ कराई है। ठीक है बाय, फिर आके मिलते हैं आपसे। ओके अल्लाह हाफिज़। चलो अली चलो जल्दी बैठो, चलें भाई, बारिश हो रही है, निकलते हैं फटाफट से हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पापा की तबीयत काफ़ी बेहतर है। कैसी है तबीयत पापा आपकी? बेहतर है काफ़ी, माशाल्लाह बहुत बेहतर है पापा की तबीयत। और ईद की वजह से ना ज़्यादातर डॉक्टर्स छुट्टी पे हैं, तो कल या परसों पापा के सारे टेस्ट वगैरह होंगे, एंजियोग्राफी होगी, फिर इंशाल्लाह पापा आपको छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से। टेंशन नहीं लेनी आपने। जी जी, सब मेरे पापा के लिए दुआ करो भाई, स्पेशल दुआओं में याद रखो। और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपके पापा कौन से हॉस्पिटल में, तो हमारे जो पापा हैं वो रावलपिंडी FIAC कौन सा AFIC हॉस्पिटल है, यहाँ पे हैं पापा। और स्पेशल भाई मामा ने यखनी बना के दिए पापा के लिए और अली पिला रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, अब ठीक हो गई है माशाल्लाह। देखो बस नहीं पापा, थोड़ी थोड़ी पियो ना, फिर मेडिसिन भी लेनी है आपने। थोड़ी ठंडी है, ठंडी हो गई है भाई रास्ते में, ज्यादा गर्म भी आपके लिए अच्छी नहीं है। पियो पियो। अच्छा अब्दुल्ला की भी बात कराते हैं, अब्दुल्ला भी बोल रहा था। एक मिनट अब्दुल्ला को कॉल करते हैं। अब्दुल्ला ये अब्दुल्ला को कॉल कर दिए भाई, यहाँ पे ना सिग्नल्स का भी बड़ा इशू होता है। एक मिनट, कॉल तो जा रही है अब्दुल्ला को, जा रही है जा रही है। अब्दुल्ला उठा ले कॉल, उठा ले, एक मिनट, नहीं उठा रहा। इतनी जल्दी कहाँ से सो गया? अनस भाई हम लोग उसको छोड़ के आए हैं, उसका कुछ पता नहीं है, वो सुबह से लेकर रात तक भी सो सकता है। हाँ ये बात भी पता चले, अब्दुल्ला उठा ही नहीं हो अभी तक। लेकिन नहीं, थोड़ी देर पहले उसने मुझे मैसेज किया है कि मेरी बात करवाना पापा से। उठा ले भाई, कॉल ही नहीं उठा रहा यार। फाइनली अब्दुल्ला ने कॉल उठा ली। अरे भाई कब से कॉल कर रहे हैं, कहीं सोया हुआ तो नहीं था? ये ले पापा से बात कर। सब ठीक है? कैसी तबीयत है पापा? बेहतर है। मैं मुझे छोड़ो, बेहतर है आपकी तबीयत, आपको सेहत दे, बस जल्दी से घर आ जाओ आप। हाँ हाँ बस दुआ करो पापा के लिए, काफी बेहतर है, बिल्कुल ठीक है पापा ना, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल ठीक है। बस कल 2-3 टेस्ट वगैरह होंगे पापा के, तो उसके बाद इंशाल्लाह पापा वापस घर आ जाएंगे। बस दुआ करनी है, ठीक है? दादो को भी बोलना दुआ करें, ठीक है? अब्दुल्ला बस दुआ करिए, सोयो नहीं। ये मुझे लग रहा है अभी अभी भी सोया हुआ है यार ये। ये इससे भी बात कर भाई, ये भी आया यार, तुझे इतनी कॉलें किया, बंदा फोन उठा लेता है। ये देखें अनस भाई, ये देखें, ये अभी सो के उठा है, ये फुल टून है, ये नाटक कर रहा है, ये फुल। ओए हमजा हबशी का सुना, ठीक है? हमजा हबशी जी, अनस भाई वो इतना सैड हुआ, वो खाना ही नहीं खा रहा है। क्यों? हम लोग चले गए इस वजह से? इस वजह से भी, और वो कह रहा है वो भी, उसने भी वो भी दुआएं
चलो यार बस गाइस, तूने सही से दुआ करनी है, सोना नहीं है, ठीक है। आप लोग सब भी हमारे पापा के लिए दुआ करो। काफी देर से हम लोग पापा के पास ही थे, अल्हम्दुलिल्लाह पापा की तबीयत अब काफी बेहतर है, पापा रेस्ट कर रहे हैं, पापा सो गए। और भाई यहाँ रूम में ना जस्ट एक पर्सन को ही अलाउ है यहाँ रुकना, तो मामा यहाँ रुकी हुई है। हम लोग जा रहे हैं वापस घर, अली को भी साथ में लेके जा रहा हूँ, चल रहे हो ना? और हमारे मामू भी जा रहे हैं वापस, अब हम लोग सुबह ही आएंगे, ठीक है? सुबह सुबह हम लोगों को आना पड़ेगा, फिर सुबह इंशाल्लाह पापा के टेस्ट वगैरह भी होंगे और सामान वगैरह भी ले लेते हैं। ले लिया सारा सामान, तकरीबन रात के 12 बज गए, अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, ठीक है भाई? थैंक यू सो मच, ये लोग भी काफ़ी देर से हमारे साथ ही थे, ठीक है भाई? ओके, अल्लाह हाफिज़। अरे यार, इसको भी हाथ पे चोट लगी हुई है, दिखाना, अभी भी है काफी गहरा जख्म है। किधर? ये रहा, इसको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है, कील लगी थी यार, तो लगवाना पड़ेगा। अनस भाई नहीं कुछ होता यार, होगा क्यों, लगवाना। ओए तला, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। ओए काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, आगे नहीं जाना, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। ओए वो देखो अली कहाँ पहुँच गया, भाई बहुत स्पीड है इसको। यार इसको इस वक्त तो मेरा ख्याल ये बराबर में हॉस्पिटल है, यहाँ पे ले जाओ। क्लिनिक से लगेगा इंजेक्शन, तो हॉस्पिटल में थोड़ी लगेगा। नहीं अनस भाई, मगर वहाँ पे शॉप है, लगा देंगे, स्टोर भी है वहाँ पे, लगा देंगे। ये गायब हो गया, 12 बज रहे, खुले में होंगे, हॉस्पिटल खुला होगा, लगवाना है यार। अली वो यार, इसको यहाँ से पकड़ लो, पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ के लेके आओ, पकड़ो 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 पकड़ो। ये किसी के हाथ ही नहीं आ रहा, इधर भी इसकी मस्तियाँ स्टार्ट हो गई। अबे भाई यहाँ से हम लोगों को लाते मार के निकाल देंगे बाहर। वे इधर आ जाओ अली, अली इधर आओ। ये देखो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं इसको पकड़ पा रहा भाई। पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। ले आओ इसे, इसको लेके चलते हैं, इसे इंजेक्शन लगवाएंगे। आज नहीं अनस भाई, कल लगवा लेते हैं, कल लगवाएं। जी अनस भाई, पक्की बात है यार, कल का तो मैंने बोलना है जी अनस भाई, नहीं बस अब इसने बोल दिया कल लगवा लेंगे अनस भाई इसको, पक्की बात है, कल कोई गुंजाइश नहीं होगी। चलो खड़े हो, चलो घर चले हैं, ठीक है यार, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, हम भी काफी थक गए। बात सुनो जी, कल नहीं परसों लगवा लेंगे ना, आज आज छुट्टी दे देना, कल लगेगा, इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है भाई? ओके ओके भाई, ओके, चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, किसने बोला था इतना भागो, चलो 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 बैठो। यार ये बार बार ना ये पेट्रोल वाला खुलता खराब हो जाएगा यार, नहीं करो, बैठो, चलो सुबह सुबह फिर हम लोगों ने आना है यार, चलो 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 घुसो। अबे यार इसके ड्रामे ही खत्म नहीं होते हैं यार, ठीक है भाई, ओके अल्लाह हाफिज़। अली को काफी ज्यादा भूख लग रही थी, भूख तो मुझे भी लग रही थी, रास्ते में हम एक फूड स्ट्रीट में रुके। क्या खाना आपने अनस भाई? जो मिलेगा बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके खा लेंगे। देख लो यहाँ पे बर्गर भी हैं, बर्गर दिला दूं? जी। चलो ठीक है, आपको बर्गर दिला देता हूँ, मैं भी हल्का फुल्का अपने लिए कुछ पकड़ लेता हूँ। तो भाई हम लोग काफी लेट हो गए। कौन सी वाली? गला आपका ख़राब हुआ, आइसक्रीम खानी है। अस्सलाम वालेकुम, वही अब्दुल्ला का भाई, कैसे हो? ठीक हो? खाना शाना खाया है? रोटियाँ ले देते हैं, ये लो ये लो, ले लो आप रोटी। बर्गर, बर्गर है, शवारमा है, बर्गर भी है, शवारमा भी है, बर्गर, बर्गर खाना है। दो बर्गर लगा दें भैया, जिंगर बर्गर, सादा बर्गर नहीं होगा, जिंगर बर्गर चलें, जिंगर बर्गर लगा दें, शवारमा होगा, एक जिंगर बर्गर कर दें, शवारमा कर दें, बर्गर शर्गर पकड़ लिया, अब चलते हैं फटाफट से घर। चलो चलो बैठो बैठो बैठो। घर आ गए, काफी ज्यादा थक भी गए, सुबह सुबह उठ के फिर से हॉस्पिटल जाना है। तो मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे पापा के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि हमारे पापा जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएं। प्लीज़ आप लोग सब हमारे पापा के लिए दुआ करें कि हमारे पापा जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग के, बाय।